या आजकल जो मरीजों के बोर्डों पे कोरोना वायरस की दुआ लगा रहे हैं, तो पढ़ना कैसा है? तो कोरोना वायरस नहीं होगा बल्कि ये दुआ पढ़ो बोलते हैं तो। मैंने सवाल किया कि कोरोना वायरस ना हो बल्कि लोग दुआएं लिखकर लगा रहे तो कैसा है? तो दुआएं लिखकर लगाना नहीं, दुआएं पढ़ना है। अगर आप ऐसा घर के बाहर दुआ लिख कर लगा देंगे, गो करोना गो, तो नहीं जाने वाला हो। आप समझे ना बात को? तो जाने वाला नहीं, याद रखिए। तो दुआओं को क्या करना है? जो दुआएं सुन्नत से साबित है, बीमारियों की दिफा, बीमारी ना लगे बोलकर, उन दुआओं को आप पढ़े, और जिनसे दम साबित है उनका दम करे। लेकिन आपको चिटकाना नहीं, हाँ किसी को रिमाइंड करने से, बच्चों को याद दिलाने चिटकाना है वो। चलिए, मैंने देखा बीमारी फैलते लोग चौखटों पे दुआएं लगा दे रहे, और समझे दुआ लगने से चले जाएंगे। तो वही फिर मैंने जैसा कहा गो करो ना गो वाला हो गया, कि खाली बोलने से चले जा रही हो कि अरे अरे दुआ लिखी वापस चलो, ऐसा नहीं होता। आपको उस चीज पर अमल करना है जब वो तासीर है उस चीज में, दम में। वरना कुरान किसके घर में नहीं रखा हुआ? वो नहीं है असल, पढ़ना है उसको। लिहाजा याद करने के लिए अगर लगा रहे हैं तो ठीक है, बच्चे याद कर ले, बड़े याद कर ले, आते आते याद रहे, वरना उसको लगाना नहीं, पढ़ना है। तो जो दुआएं बीमारियों के लिए, क्या कोरोना के लिए कोई खास दुआ सुन्नत साबित है? नहीं, आम दुआएं बहुत सारी है। तो अगर साबित है तो बिल्कुल पढ़िए, पढ़ के दम करना साबित हो तो दम भी कीजिए, इंशाल्लाह उससे शिफा जरूर होगी, उससे फायदा होगा। लेकिन चिटका लेना, खाली लगा देना, लटका देने से इंशाल्लाह फायदा नहीं होगा। السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔